हाय गाइस, इस वीडियो में हमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्रॉसवर्ड पजल। तो बैक ट्रैकिंग की क्लासिकल प्रॉब्लम होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, मुश्किल भी लगता है, ओवरवेलमिंग भी लगता है, लेकिन पीस बाय पीस तोड़े करेंगे तो आसान है। लाइए देखते हैं इसे। देखो क्या मिलता है इसमें आपको, एक 2D आरे मिलता है, 10x10 का एक 2D आरे मिल गया आपको, कैरेक्टर का आरे जिसमें प्लस पड़ा है या डैश पड़ा है। प्लस पर आप कुछ नहीं डाल सकते, डैश में आप अपना कैरेक्टर डाल सकते हैं। और आपको एक आरे मिलता है, जैसे आपको एक आरे मिल गया वर्ड्स का, लेट्स से आपको मिला दिल्ली, आइसलैंड, अंकारा, लंदन, ठीक है। तो उनको आपको इसमें एडजस्ट करना है ताकि ये क्रॉसवर्ड पूरा भर जाए, ना तो कोई वर्ड बचे ना कोई स्पेस बचे। तो दिल्ली यहाँ आ जाएगा, लंदन यहाँ आ जाएगा, आइसलैंड यहाँ आ जाएगा, अंकारा यहाँ आ जाएगा। एक स्पेशल नोट की बात क्या है उसका ध्यान रखिएगा, ये कंस्ट्रेंट समझ लीजिए प्रॉब्लम का, कि वर्ड्स जो है ना एक दूसरे को, एक वर्टिकल वर्ड एक हॉरिजॉन्टल वर्ड को काट सकता है और वो कैरेक्टर शेयर कर सकते हैं। लंदन और दिल्ली ने डी शेयर कर लिया, दिल्ली और आइसलैंड ने आई शेयर कर लिया, अंकारा और आइसलैंड ने ए शेयर कर लिया। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दो हॉरिजॉन्टल वर्ड्स कुछ शेयर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे एंट के साथ आप यहां पर मैन लिख दें तो ये पढ़ नहीं पाएंगे हम, एंट और मैन, एंट मैन, ये नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे एंट के साथ मैन नहीं आ सकता, ठीक है, या एंट के साथ टैन, तुम ऐसा कुछ चाहे वो वर्ड शेयर करे या ना करे, एंट के साथ टैन, तुम ये कहोगे इतना एंट है और इतना टैन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या एंट के बाद मैन, मतलब दो हॉरिजॉन्टल वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, चाहे कैरेक्टर शेयर करें या ना करें, तो हॉरिजॉन्टल वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, दो वर्टिकल वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्ड एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। तो इस बात का इंप्लीकेशन क्या है, इस बात का इंप्लीकेशन ये है कि जैसे तुम दिल्ली डालोगे ना, वो परफेक्ट फिट होना चाहिए अपने स्पेस में, मतलब लगातार 5 कैरेक्टर फ्री होने चाहिए दिल्ली डालने के लिए, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, या तो इधर कुछ होता ही नहीं या प्लस होता, या तो इधर कुछ होता ही नहीं या प्लस होता। इसी तरह से जब लंदन है ना, वो परफेक्ट फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसे तुम लंदन को अगर सोच के चलोगे तो यहाँ भी तो फिट कर सकते हो, LONDON, ठीक है, इस नीचे वाले पर अगर प्लस होता तो अलग बात है, लेकिन अभी ये परफेक्ट फिट नहीं हुआ, जगह थी 7 की और आपने 6 कैरेक्टर डाल दिए तो ये सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब भी आप किसी कैरेक्टर को फिट करोगे तो उसके ऊपर और उसके नीचे प्लस होना चाहिए, अगर वर्टिकली फिट किया है तो, हॉरिजॉन्टली फिट किया है तो इधर प्लस होना चाहिए और इधर भी प्लस होना चाहिए, या तो कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे ये है, यहाँ पर अगर लंदन को फिट करोगे तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, या तो कुछ नहीं होना चाहिए या प्लस होना चाहिए, वो परफेक्ट फिट होने चाहिए। परफेक्ट फिट का मतलब एक बार दोबारा बता देता हूँ, जैसे दिल्ली के लिए अगर दिल्ली को फिट करो कभी तो 5 ही करेक्टर एक साथ होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लीजिए ये 6 होते, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए डैश होता तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर दिल्ली लिख दो और फिर यहाँ से आइसलैंड लिख दो, नहीं कर सकते ऐसा, ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा इनपुट भी नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि फिर इसमें देखो कोई दिल्ली को रीड नहीं कर पाएगा बिना एम्बिगुअस नेचर के, दिल्ली रीड करेगा वो DELHIIB तो हो सकता है, तो वो सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो जहाँ दिल्ली फिट होगा वहाँ पर उसके लिए एग्जैक्टली 5 करेक्टर्स ही होंगे, तो ये बनाना है हमें। देखने में मुश्किल लगता है, उतना मुश्किल है नहीं। तो क्यों नहीं उतना मुश्किल, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसे पीस बाय पीस करेंगे तो आसान है, एक साथ सोचने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ओवरवेलमिंग जरूर लगेगा। अप्रोच सुनिएगा पहले एक बार, तो ये हैं आपके रोज, आपको 2D आरे मिला हुआ है, और ये हैं आपके कॉलम्स। बैक ट्रैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, लेवल्स एंड ऑप्शंस खेलते हैं, लेवल्स एंड ऑप्शंस खेलते हैं, ऊपर जाते हुए जो काम करते हैं उसको वापस आते हुए अंडू करते हैं। तो लेवल के ऊपर ना मैं वर्ड्स को रख रहा हूं, कि ये पहला लेवल दिल्ली का लेवल है, कि दिल्ली चाहती है मुझे किसी जगह पर सेट कर दिया जाए। अगला लेवल आइसलैंड का होगा, अगला लेवल अंकारा का, लास्ट लेवल लंदन का। अगर तुम सारे प्लेस करते हुए ऊपर तक पहुंच गए तो अपनी क्रॉसवर्ड को प्रिंट कर दो। अब दिल्ली के लिए पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं, लेवल्स पे क्या रखे मैंने वर्ड्स, ऑप्शंस क्या हैं कि इस वर्ड को प्लेस कहां किया जा सकता है। दिल्ली सोचेगा क्या मुझे यहां से रखा जा सकता है, और वो दो तरीके से सोचेगा, हर सेल पर स्टार्ट पॉइंट खुद को मानेगा, हर सेल पर वो दो ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा, कैन आई बी पुट वर्टिकली हेयर, कैन आई बी पुट हॉरिजॉन्टली हेयर, वो ऐसा चेक करेगा। जैसे दिल्ली ने ये चेक किया, दिल्ली ये तो प्लस है, ना तो हॉरिजॉन्टली हो सकता है ना ये वर्टिकली हो सकता है, अब ये डैश है, ट्राई किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टली ट्राई किया तो डी ई के लिए ही जगह नहीं मिली, वर्टिकली ट्राई किया तो डी ई एल एच आई नहीं बनी बात, क्योंकि नीचे स्पेस रह गया, परफेक्ट फिट नहीं है, 6 का स्पेस है करेक्टर, वो वर्ड की लेंथ 5, तो नहीं बनी बात। तो दिल्ली ना यहां पर हॉरिजॉन्टली आ सकता ना वर्टिकली आ सकता, ये सारे प्लस है, तो यहां कोशिश की, यहां कोशिश की, यहां कहीं कोशिश ही मतलब कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्लस से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगली कोशिश यहां से करेंगे,
तो क्या दिल्ली यहां लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर दिल्ली यहां रखोगे तो परफेक्ट फिट होना चाहिए, वही परफेक्ट फिट वाली बात लगातार, लेकिन ये ऊपर प्लस नहीं है। अगर ऊपर प्लस होता तो दिल्ली रख सकते थे यहां पर, लेकिन ऊपर डैश है, नहीं रख सकते फिर दिल्ली को। परफेक्ट फिट होना चाहिए, स्पेस नहीं छूटना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो दिल्ली यहां नहीं रख सकते। फिर इन सबको तो एक्सप्लोर ही नहीं किया, फिर इसको एक्सप्लोर किया, डी ई एल एच आई की जगह नहीं बची। फिर चलते 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 यहां आए, दिल्ली को वर्टिकली एक्सप्लोर किया, डी ई एल पूरा नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टली एक्सप्लोर किया तो डी ई एल एच आई हो गया। तो एक्चुअली अगर तुम ध्यान सोचोगे तो मैं यहां से ना 200 ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा, 00 हॉरिजॉन्टल, 00 वर्टिकल, 01 हॉरिजॉन्टल, 01 वर्टिकल, मैं ऐसे से ट्राई करूंगा, 00 पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ट्राई किए, 01 पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ट्राई किए, ऐसे से ट्राई करूंगा सब जगहों से। मैं 200 ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा 99 तक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, ठीक है। तो इफेक्टिवली पता लगा, मैं सिर्फ रियल ऑप्शन दिखाऊंगा आपको कि मैं यहां पर 31 पर, 31 हॉरिजॉन्टल वाली एज पे चढ़ा। 31 हॉरिजॉन्टल चढ़ने का मतलब है 31 पे हॉरिजॉन्टली लिख दो और अगले लेवल पे चले जाओ। अगले लेवल पे मुझे मिला आइसलैंड। अब हमें आइसलैंड की चिंता है। अब आइसलैंड को भी यहां से लेकर यहां हर जगह मैं ट्राई करूंगा कि क्या यहां आइसलैंड फिट हो सकता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्या यहां हो सकता है। आइसलैंड को यहां ट्राई किया, आई सी ई पर यहां डी पहले से बड़ा है और वो यहां पर एल रखना चाहता है, नहीं हो पाएगा, यहां कहीं नहीं हो पाया, यहां भी आई सी ई नहीं हो पाएगा। अब आई फिर चलते गए चलते गए चलते गए, ये स्पॉट ट्राई किया, आई सी नहीं हो पाया, फिर ये तो पहले से भरा हुआ है, कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं करेंगे। यहां पर अब देखो पहले से भरा हुआ है लेकिन हम ट्राई करेंगे, मतलब ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ डैश से ट्राई करेंगे, बट नॉट रियली। आइसलैंड इस स्पॉट को ट्राई कर सकता है क्योंकि पहले से भरा तो हुआ है, भरा तो हुआ है, हॉरिजॉन्टली ट्राई नहीं कर सकता पर वर्टिकली ट्राई कर सकता है क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल वर्ड और एक वर्टिकल वर्ड एक दूसरे को काट सकते हैं। तो आइसलैंड ने खुद को ट्राई किया, आई सी ई एल ए एन डी, और परफेक्ट फिट निकला। पहले से आए पड़ा था तो मतलब कहां से तुम कैरेक्टर, कहां से तुम अपना वर्ड स्टार्ट कर सकते हो, या तो पहले से डैश पड़ा हो या वहां पर वो कैरेक्टर पड़ा हो जिससे तुम शुरू होते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि अगर पहले हॉरिजॉन्टल था वर्ड तो अभी वर्टिकल हो, उसके लिए कुछ ज्यादा चेक नहीं करना, उसके लिए बस आपको ये चेक करना है जब तुम वर्ड को प्लेस करते हो, वर्टिकली प्लेस कर रहे हो तो ऊपर भी प्लस होना चाहिए नीचे भी प्लस होना चाहिए, या ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए जैसे यहां ऊपर कुछ नहीं है, या और नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हो तो तुम लेफ्ट राइट चेक करोगे, अगर तुम इतना चेक कर लोगे, परफेक्ट फिट वाला पॉइंट चेक कर लोगे कि ऊपर और नीचे प्लस प्लस है तो ये गलती कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो हमने आइसलैंड को यहां पर चेक किया, मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, कब हम किसी वर्ड को ट्राई करेंगे, या तो वहां डैश पड़ाओ या आपके वाला करेक्टर पहले से पड़ाओ। तो यहां पर हमने आइसलैंड को वर्टिकली ट्राई किया तो हो गया। तो ये कौन सा स्पॉट है, 35 पर वर्टिकली आइसलैंड को पुट करते हुए हम अंकारा के पास आए कि अंकारा तुम खुद को ट्राई करो। अब अंकारा खुद को ट्राई करेगा, ऊपर से लेकर नीचे स्टार्ट करेगा, कहीं मौका नहीं मिलेगा। इवेंचुअली जाकर यहां अंकारा को देखेगा कि मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस हो सकता हूं, डैश था तो खुद को पुट करना स्टार्ट करेगा, ए एन के, अब वो यहां ए पुट करना चाहता है और ए पहले से पड़ा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ए पहले से पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे प्लेस करेंगे, इस ए को हम खुद नहीं पुट करेंगे, पहले से पड़ा था बढ़िया बात है, ये अंकारा पुट करके आगे बढ़ेंगे। तो हमने 7-2 पर हॉरिजॉन्टली अंकारा को प्लेस किया और लंदन की बारी आई। अब हम जब ट्राई करेंगे तो यहां पर जैसे ही यहां पर आएगा तो देखेगा एल ओ एन डी ओ एन, डी पहले से पड़ा है बढ़िया बात, तो मैं यहां पर पुट हो सकता हूं, तो वो पुट करके आगे कॉल लगाएगा 01 वर्टिकली, सारे वर्ड हो गए तो ये एक आंसर आ गया, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, उसको ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट हो रही है, हो सकता है और भी आंसर हो, इस बारे में और आंसर नहीं है पर मैं ऐसा केस दिखाऊंगा आपको। अब आप जब वापस मुड़ेंगे ना तो 01 वर्टिकल पर जो आपने लंदन पुट किया था उसे मिटाएंगे, पर मिटाते हुए एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो कैरेक्टर जो आपने डाले हैं सिर्फ वही मिटाएं, दिल्ली का डी ना मिटा देना, क्योंकि दिल्ली का डी आपने डाला भी नहीं था, लंदन ने ये डी नहीं डाला था, लंदन को यहां पर डी मिला था, ठीक है। जो बैक ट्रैक किया तो वो मिटाएंगे नहीं आप। अब जब अंकारा मिटाएंगे, 72 हॉरिजॉन्टल को जब मिटाएंगे तो ए मिटाने की हिम्मत ना करें, क्योंकि ए आपने डाला ही नहीं था। अब जब आइसलैंड मिटेगा तो आई नहीं मिटा सकता, और अब जब दिल्ली मिटेगा तो वो सब कुछ हटा सकता है। तो इसमें तो कोई और ऑप्शंस थी नहीं, तो आपको इसका रेलेवेंस समझ में नहीं आया, मैं आपको एक और केस देता हूं जिसमें आपको उस कहानी का रेलेवेंस समझ में आएगा, तो देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, एंड और एंट दो वर्ड है, एंड और एंट, मेरा साथ दीजिएगा आपको समझ में आएगी कहानी, मैं कोशिश करूंगा, छोटा है ना एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता, तो यहां पर आप कहानी दिखेगी। पहले एंड की बारी आई, एंड ने, क्योंकि तो मैं बैक ट्रैकिंग दिखा पाऊंगा,
अनडू करने का मतलब क्या है, देखिएगा ध्यान से। एंड ने खुद को यहां ट्राई किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर ही नहीं सकता, यहां ट्राई किया हॉरिजॉन्टल तो एंड नहीं आ सकता, वर्टिकली आ सकता है। तो 0-1 पर वर्टिकली एंड ने खुद को पुट कर दिया। फिर आगे बढ़े, ये प्लस है, फिर यहां पहुंचे। अच्छा, अब हम आए किसके लेवल पे, एंट के लेवल पे। एंट ने यहां पे ट्राई किया, यहां पे ट्राई किया, तो ए पहले से पढ़ा था, बढ़िया बात है, एन पहले से पढ़ा था, बढ़िया बात है, पर टी डालना चाहता और यहां पे टी पड़ा है, तो एंट यहां पे खुद को पुट नहीं कर पाया। प्लस पे ट्राई नहीं करेगा, अब यहां पर वर्टिकल तो ट्राई नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल ट्राई करेगा, ब्लैंक है, स्टार्ट करेगा। ए एन पहले से मिल गया, बहुत खुशी की बात, और टी पुट किया, बहुत अच्छी बात। तो उसने 1-0 पे खुद को हॉरिजॉन्टली पुट करके आगे कॉल लगा दी। देखा तो आंसर आ चुका है, तो ये अपना एक आंसर हो गया। तो अपना एक आंसर आ गया है ये वाला, एंड एंड एंड। तो यहां पर ये आंसर आप प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करके आप बैक ट्रैक करेंगे। अब बैक ट्रैक करने का मतलब क्या है, 1-0 हॉरिजॉन्टल आप बैक ट्रैक कर रहे हैं। 1-0 हॉरिजॉन्टल बैक ट्रैक करने का मतलब ये है, 1-0 हॉरिजॉन्टल पे जो आपने एंड लिखी थी वो मिटा दें, पर मिटाते हुए ध्यान रखिएगा एन मिटाने की जरूरत नहीं है। एन क्यों नहीं मिटाए, क्योंकि वो आपने पुट ही नहीं किया था, तो एंड ने पुट किया था, ठीक है। अब एंट को कहीं और ट्राई करें, आप 1-0 हॉरिजॉन्टल ट्राई कर चुके हैं, यहां पर नहीं कर पाए, यहां पर नहीं डाल पाए, यहां नहीं डाल पाए, यहां नहीं डाल पाए, यहां नहीं डाल पाए, तो एंट एग्जॉस्ट हो गया और पीछे गिरे। अब जब 0-1 वर्टिकल एज पे गिर रहे, तो अब एंड मिटेगा, 0-1 वर्टिकल पे से एंड मिटेगा। अभी उसने देखो ना, एंड ने खुद को यहां ट्राई करना था, यहां करना था, यहां करना था, यहां करना था, सब जगह ट्राई करना था, अभी तुमने सिर्फ इतना ही ट्राई किया था, अब आगे ट्राई करके देखेगा। यहां पर नहीं कर पाया एंड खुद को, क्या यहां पर एंड खुद को डाल सकता है, डाल सकता है, डाल सकता है, वैलिड है। तो एंड इस बार खुद को कहां डाल के चलेगा, 1-0 पर हॉरिजॉन्टली डाल के कॉल लगाएगा एंड को। अब एंड ने खुद को यहां ट्राई किया, नहीं बनी बात, यहां ट्राई किया, बन गई बात, तो इस बार एंट यहां डल गया, 0-1 वर्टिकल, और फिर आंसर पर पहुंच गए। ये आंसर कौन सा हुआ, पिछली बार एंट इधर था, एंट इधर, इस बार एंट इधर है, एंट इधर, ये दूसरा आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये दूसरा आंसर क्या निकला आपका, कि प्लस ए एन टी प्लस ए एन डी, ये बदल गया आपका, इस बार एंट इस तरफ है और एंट इस तरफ है, तो आपके पास एक नया आंसर आ गया। अब इधर चढ़ोगे तो, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा से आपको कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। नीचे वाले लेवल पर, नीचे वाले लेवल पर मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, ताकि आप दोबारा से इस कहानी को देख सकें और आपको सटल्टी पता लगे कि क्या हो रहा है, बैकट्रैकिंग का क्या मतलब है, कि दूसरे आंसर भी पॉसिबल थे क्या। यहां पर एक ही आंसर आ रहा है वो अलग बात है, पर और आंसर्स भी पॉसिबल हैं, ठीक है। देखिएगा, एंड और एंड दो वर्ड थे, तो पहले एंड खुद को यहां ट्राई कर रहा है, फिर यहां करेगा, 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 जिस पहली जगह पे वो खुद को अलाउ कर सकता है वहां पुट करके आगे कॉल लगा देगा, ठीक है। तो एंड एंड ने खुद को यहां ट्राई किया, नहीं कर पाया, यहां ट्राई किया, यहां ट्राई होती एंड फिट हो गया। मैं दोबारा करा रहा हूं एक बार, एंड फिट हो गया, तो 0-1 वर्टिकल पर फिट हो गया, पर अभी उसको 0-2 भी ट्राई करना था, 1-0 भी ट्राई करना है, 1-1 भी ट्राई करना है, 1-2 भी ट्राई करना है, 2-0, 2-1, 2-2 सब ट्राई करना है, अभी वो रहता है, पर वो इस पे खुद को पुट करके एंट के लेवल पे चला गया। अब एंट भी खुद को सारे लेवल पे ट्राई करेगा, एंट ने यहां से कोशिश की, नहीं हो पाया, यहां से कोशिश की, नहीं हो पाया, क्योंकि ये ए एन टी नहीं आ पाएगा, यहां कोशिश की, यहां कोशिश की, तो ए एन टी फिट हो गया, तो वो 1-0 से हॉरिजॉन्टल पे डाल के निकला है, ठीक है। हमने आंसर प्रिंट कर दिया ये वाला, तो जब मैं वापस आऊंगा, अब यहां वापस आया मैं, ये एक आंसर प्रिंट कर दिया, वापस आया तो मैं इस वाले ए और टी को मिटा दूंगा, ए और टी को मैंने मिटा दिया। क्यों मिटा दिया, एन को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो एंड का एन है, वो तो हमने डाला ही नहीं था, वो तो हमें मिला था। तो अभी अभी हमने 1-0 हॉरिजॉन्टल ट्राई किया है, मैंने यहां इसके बाद में पूरा लूप चलाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ था। एंड ने खुद को यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से सब जगह से ट्राई करना है, यहां सब जगह से ट्राई कर चुका था, यहां पर जब ट्राई किया तो वो एंड बनकर एक आंसर प्रिंट हो चुका है। अब यहां से ट्राई करेगा, नहीं बना आंसर, यहां से ट्राई करेगा, एंट पुट करने की जगह नहीं है, यहां से भी जगह नहीं है, यहां से भी जगह नहीं है, यहां से भी जगह नहीं है। अब पूरा एंट एग्जॉस्ट हो गया, एंट का पूरा लूप चल चुका है, तो अब हम नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे मतलब एंड को मिटाया जाएगा, अब एंड को मिटाया जाएगा, ये एंड मिटा दिया गया, ठीक है। अभी एंड सिर्फ यहीं तक ट्राई हुआ था, अब यहां से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्राई किया करेगा, नहीं कर पाया, यहां से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्राई करेगा, वर्टिकल तो नहीं कर पाएगा, हॉरिजॉन्टल कर पाएगा, तो ये दूसरा रास्ता खुल गया। तो 1-0 पर मैंने हॉरिजॉन्टली एंड को पुट किया, तो एक और रास्ता खुल गया, ठीक है। दोबारा एंट के लेवल पर आए, अब एंट खुद को दोबारा यहां से सब जगहों पर ट्राई करेगा, यहां पर ट्राई किया नहीं हो पाया, यहां पर ट्राई किया तो एंट हो गया, 0-1 पर वर्टिकली एंट हो गया, ठीक है। तो हम दोबारा ऊपर पहुंच गए,
हमने एक बार और प्रिंट कर दिया आंसर, पिछली बार से आंसर अलग है, पिछली बार आंसर था एंड एंड और इस बार आंसर है एंड एंड, ठीक है। तो अभी जीरो वन वर्टिकल ट्राई किया है आपने, जीरो वन वर्टिकल ये ट्राई किया है अभी, अभी तो आप अभी काफी बचा हुआ है। ये आंसर प्रिंट करके आप लौटे, लौटे तो आपने एंड का ये और ये मिटा दिया, ठीक है। ये प्लस है, ये सब प्लस है, ये सारे प्लस हैं। तो अब जीरो वन वर्टिकल ट्राई कर चुके हो, तो यहां से ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे, यहां से ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे, यहां से ट्राई करोगे, यहां से ट्राई करोगे, यहां से ट्राई करोगे एंट को, यहां से पुट करना ट्राई करोगे, यहां से पुट करना ट्राई करोगे, कहीं से नहीं कर पाओगे। अब एंट एग्जॉस्ट हो गया, एंट एग्जॉस्ट हो गया तो एंड पर गिरोगे, एंड पर गिरोगे, एंड पर गिरोगे तो एंड को भी मिटाओगे। अभी तुमने एंड को कहां से मिटाया, 10 हॉरिजॉन्टल से मिटाया। अब 11 पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ट्राई करोगे, हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो पाएगा, हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो पाएगा, वर्टिकल भी नहीं हो पाएगा। यहां से ट्राई करोगे ना हॉरिजॉन्टल हो पाएगा ना वर्टिकल हो पाएगा, यहां से ट्राई करोगे, यहां से ट्राई करोगे हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो पाएगा, वर्टिकल भी नहीं हो पाएगा, यहां से प्लस है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एंड पूरा खत्म हो गया। मतलब तुम्हें यह समझना बहुत जरूरी है कि एंड का नीचे लेवल पर एंड का पूरा लूप चल रहा है 9 के 9 स्पॉट्स के लिए, दो दो बार हर जगह से हॉरिजॉन्टल भी ट्राई कर रहा है, वर्टिकल भी ट्राई कर रहा है। नीचे वाले लेवल पर एंड का पूरा लूप चल रहा है, हर स्पॉट पे ट्राई कर रहा है वो खुद को एंड। किसी एक स्पॉट पे फिट हो जाता है तो वहां पे प्लेस करके ऊपर कॉल लगा देता है, फिर ऊपर ऊपर वाले लेवल पे एंड खुद को सारे स्पॉट्स पे ट्राई करता है, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर निकल कर आए। तो बैक ट्राइंग करते हुए मिटाना जरूरी होगा, और बैक ट्राइंग करते हुए एक सटल बात और समझाइए मैंने आपको, आप वही करेक्टर मिटाएंगे जो आपने डाला है, आप दूसरा करेक्टर नहीं मिटाएंगे, जो आपने नहीं डाला वो नहीं मिटाएंगे क्योंकि वो आपने डाला ही नहीं था, ठीक है। लाइए इसके लिए थोड़ा कोड लिखने की कोशिश करेंगे, कोड के साथ दोबारा वापस आएंगे तो आपकी इनसाइट बन चुकी होगी। मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमने कॉल लगाई सॉल्व सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को मैंने ए टू डू एरे पास किया, वर्ड्स का एरे पास किया, और क्या पास करें हम, और हमने जीरो बिट एक्स पास किया, ठीक है। तो मेरा वर्ड्स ऑफ बिट एक्स आया है, मैं उसमें से वर्ड निकाल लेता हूँ, जिस वर्ड को यहाँ पर ट्राई करने के लिए आए हैं वो ये है, ठीक है। सबसे पहले जैसे लंदन पास किया गया तो वो लंदन है, या मेरे ख्याल से मैंने दिल्ली पास किया था। अब दिल्ली को कहाँ कहाँ डाला, जैसे पूरे 2D एरे में मैं हर स्पॉट पे उसको ट्राई करने दूंगा कि सारे तेरे लिए पॉसिबल ऑप्शंस हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट करने की आज़ादी है तेरे को, अगर वो बॉक्स तेरे लायक है तो। हमने पूरा लूप घुमा दिया 100 का, मैं पर ये कह रहा था 100 नहीं 200 ऑप्शंस हैं, 200 क्यों हैं, हर स्पॉट पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ट्राई कर ले, पर रियल ऑप्शंस कम है। रियल ऑप्शंस कम क्यों है, तुम सिर्फ डैश से ही स्टार्ट कर सकते हो, प्लस से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि एरे ऑफ आई जे पर, एरे ऑफ आई जे के ऊपर डैश पड़ा हो या आपका पहला करेक्टर पड़ा हो। ये क्या बात बोली मैंने, ये तो मैं आइसलैंड की केस में दिखाई दिया था, मैं दोबारा दिखाऊंगा, या आपका ही पहला करेक्टर पड़ा हो तो यहां से आप खुद को आजमा सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शंस कम हो गई। जैसे आपने दिल्ली को पुट कर लिया था, तो जब तुम आइसलैंड को ट्राई कर रहे हो ना, तो आइसलैंड के लिए दिस इज अ वैलिड स्पॉट टू स्टार्ट। क्यों, क्योंकि आपका आए और ये आए, तो जरूरी नहीं है कि डैश से ही स्टार्ट करो, आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो जहां पर आपका कैरेक्टर पहला कैरेक्टर मैच हो जाए, वहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कोड देखिएगा, ये बिल्कुल दो सिमेट्रिक कोड बनेंगे। इफ कैन प्लेस वर्ड हॉरिजॉन्टली, क्या मैं यहां पर अपना शब्द इस आई जे पर अपना वर्ड हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकता हूं एरे के अंदर, एरे पास किया, वर्ड पास किया, आई पास किया, जे पास किया, अगर मैं हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकता हूं तो प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, मेरा वर्ड हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें एरे में, वर्ड को प्लेस कर दें आई जे पर, और अगले वर्ड को मौका दे दें। मैं तो पुट हो गया, मैं पुट हो गया तो मेरे से अगले वर्ड को मौका दे दें। अब वापस आने के बाद, निचली लाइन वापस आने के बाद होती है, ये एज का प्री, ऊपर जाते हुए एज से, ये एज का पोस्ट, अनप्लेस कर दें मुझे। मुझे अनप्लेस क्यों कर दें, क्योंकि भाई मैं दो जगह थोड़े रहूंगा, दो जगह वाली बात क्या बोली मैंने, खुद को इसलिए अनप्लेस करा दें क्योंकि लूप आगे बढ़ेगा, अगर आप कहीं और प्लेस हो सकते हैं तो आपको दो जगह थोड़े प्लेस छोड़ देंगे, वापस आते हुए अंडू करना तो जरूरी है ना। एंड ने एंट को कॉल लगाई थी, तो जब एंट से वापस आए तो एंट मिटाना जरूरी है, ठीक है, तो अनप्लेस भी जरूर हो। ये हो गया कोड आपका, ऐसा ही वर्टिकल के लिए भी कोड बनेगा, ऐसा ही एक इफ, उसके अंदर कैन प्लेस वर्ड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, प्लेस द वर्ड वर्टिकली सॉल्यूशन, अनप्लेस द वर्ड वर्टिकली भी होगा, ठीक है। तो उधर नहीं बढ़ते हैं, पहले इस कोड को लिखने की कोशिश करते हैं। पब्लिक स्टैटिक बूलियन,
या इनफैक्ट पहले ना सूडो कोड पूरा कर लें फिर बाद में फंक्शन भरेंगे. इफ यू कैन प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली प्लेस इट, सॉल्व इट देन अनप्लेस इट. ठीक है, उम्मीद करता हूं तो आपको अनप्लेस वाली बात समझ में आई होगी. अनप्लेस करना जरूरी है. अनप्लेस करना जरूरी क्यों है, जो मैंने अभी आपको एंड और एंड में समझाया था. ठीक है, वो यहां भी आप देख सकते हो कि लेट अस से ये भी डैश होता तो लंदन के लिए ये भी 6 की जगह है और ये भी 6 की जगह है. तो आप मे भी या मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं. लेट अस से ये प्लस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो ये भी 5 का स्पॉट है, ये भी 5 का स्पॉट है. तो जब दिल्ली ने यहां पर ट्राई किया तो दिल्ली ने खुद को वर्टिकली पुट कर दिया. दिल्ली खुद को 0-1 पे वर्टिकली पुट करके कॉल लगा देगा. फिर कुछ कुछ होगा ऊपर और वापस आएगा. जब वो वापस आएगा तो पहले वो खुद को यहां से मिटाएगा और नए स्पॉट ट्राई करेगा. उसे पता लगेगा मैं यहां भी तो पुट हो सकता हूं. फिर दिल्ली यहां पुट हो जाएगा 3-2, 3-1 में हॉरिजॉन्टली. तो मतलब 0-1 वर्टिकल से हटके ही तो 3-1 हॉरिजॉन्टल में डलेगा ना, ऐसे थोड़ी दोनों में रहेगा. तो जब आप वापस आओगे, जब आप पोस्ट चलाओगे तो उसको हटना जरूरी है पुरानी जगह से ताकि आप उसे नई जगह ट्राई कर सकें. तो ये तो बैक ट्राइंग का कॉमन कंसेप्ट होता है. मुझे नहीं लगता मुझे इस पर मेहनत करनी चाहिए. मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको ये आता है. तो जब ऊपर सॉल्व करके आए हो आप खुद को अनप्लेस जरूर करेंगे. मैंने बस ऐसा मुझे लगा कि कहीं कच्चा ना महसूस हो आपको, इसलिए मैंने इसके बारे में बात कर दी. अब कैन प्लेस वर्टिकली, क्या आप वर्टिकली पुट कर सकते हैं वर्टिकली? तो अगर आप वर्टिकली पुट कर सकते हैं वर्ड को इस स्पॉट पर तो वर्टिकली पुट कर दें. तुम कहोगे सर या तो हॉरिजॉन्टली होगा या तो वर्टिकली होगा. नॉट रियली. कई बार ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टली भी वर्ड पुट हो सकता है उसी स्पॉट पर और वर्टिकली भी हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल मैं अभी आपके लिए बना दूं, अगर बनाना चाहूं तो, अगर तुम मुझे पेशेंस दो तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाहूंगा. हाउ अबाउट इट, एंड एन एंट. तो इस स्पॉट के ऊपर एंड यूं भी पुट हो सकता है और यूं भी पुट हो सकता है ना. तो ऐसा जरूरी नहीं है. तो इसलिए मैं हर स्पॉट पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों आजमाना चाहता हूं. कैन आई प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, देन प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, सॉल्व इट एंड प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली. कैन आई प्लेस द वर्ड वर्टिकली, देन प्लेस द वर्ड वर्टिकली, सॉल्व इट एंड प्लेस द वर्ड वर्टिकली. ऐसा करते करते आप अगले अगले वर्ड्स को मौका देते देते अगर आपका विडेक्स वर्ड्स डॉट लेंथ पर आ जाए, मतलब आपने सारे वर्ड्स को प्लेस कर दिया है, तो रिटर्न कर दें. रिटर्न करने से पहले प्रिंट करना ना भूले. प्रिंट का फंक्शन मैंने दे रखा आपको बनाकर. प्रिंट द आर. अब ले देकर आपको ये 6 फंक्शन लिखने हैं. कैन प्लेस वर्ड हॉरिजॉन्टली, प्लेस वर्ड हॉरिजॉन्टली, अनप्लेस वर्ड हॉरिजॉन्टली. कैन प्लेस वर्ड वर्टिकली, प्लेस वर्ड वर्टिकली, अनप्लेस वर्ड. 3 कर लिए तो बाकी 3 तो कॉपी हैं. तो लाइए एक एक करके लिखते जाएंगे. कैन प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, पब्लिक स्टैटिक बुलियन. कैन यू प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, कैर का 2D एरे. स्ट्रिंग वर्ड इंट आई इंट जे. क्या इस आई जे के ऊपर आप अपने वर्ड को हॉरिजॉन्टली पुट कर सकते हैं, ये सवाल. ठीक है, तो क्या तुम दिल्ली को यहां पर हॉरिजॉन्टली पुट कर सकते हो? तो देखिए ट्रू होने के लिए क्या जरूरी है. ट्रू होने के लिए ये जरूरी है कि आपके इधर प्लस हो और इधर भी प्लस हो. या आप ऐसा हो सकते हैं कि आप बिल्कुल पहले होते, यहां पर होते, ये यहां पर डैश होता और यहां प्लस होता. तो फिर आपकी लेफ्ट साइड, या तो आपकी लेफ्ट साइड हो ही ना हो तो वहां प्लस पड़ाओ. ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही चेक करूंगा कि आप परफेक्ट फिट हैं कि नहीं, कि एग्जैक्टली 5 ही स्पॉट खाली है कि नहीं है. ठीक है, या तो आपकी लेफ्ट साइड हो ना हो तो वो प्लस हो, या तो आपकी राइट साइड हो ना हो तो वो प्लस हो. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर ये सब जगह प्लस होता और ये सब डैश होते, तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर ये दिल्ली के लिए परफेक्ट है. क्यों परफेक्ट है? लगातार 5 खाली है, इधर कुछ है नहीं, इधर प्लस है. ठीक है, तो पहले तो मैं ये चेक करूंगा वो परफेक्ट फिट है कि नहीं. तो परफेक्ट फिट के लिए देखिए मैं क्या देख रहा हूं. J-1 ग्रेटर देन 0 है. अगर J-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब आपकी लेफ्ट साइड है और वहां पर आपकी लेफ्ट साइड है और वहां पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके लेफ्ट साइड J-1 इज योर लेफ्ट साइड के ऊपर प्लस नहीं कुछ और पड़ा है, प्लस नहीं पड़ा तो रिटर्न फॉल्स है. मतलब आपकी लेफ्ट साइड है और वहां पर कुछ और पड़ा है प्लस के अलावा, तो वो गलत है. या तो लेफ्ट साइड हो ही ना या वहां पर प्लस पड़ाओ. इसी तरह से मैं राइट साइड आपकी ट्राई करूंगा. राइट साइड में क्या ट्राई करूंगा? जे प्लस वर्ड डॉट लेंथ. ये जे प्लस वर्ड डॉट लेंथ कहां से आया? J-1 कहां से आया था? J-1 कहां से आया था? आपसे जस्ट पहले, हॉरिजॉन्टल में आपसे जस्ट पहले वाला. जे प्लस वर्ड डॉट लेंथ कहां तक आया? देखो जे प्लस वर्ड लेंथ डॉट माइनस, जे प्लस वर्ड लेंथ -1 तक तो पूरा वर्ड ही आएगा. ये उसके जस्ट इमीडिएटली बाद वाला है.
ठीक है, ये पता है कौन सा स्पॉट है? ये स्पॉट है, अगर तुम दिल्ली यहाँ ट्राई करना चाहते हो तो इसमें 5 ऐड कर लो, ये वाला स्पॉट है, इस वाले स्पॉट को चेक कर रहे हो, जे प्लस वन डॉट लेंथ, ये वाला स्पॉट है, ठीक है। अगर ये है, अगर ये बोर्ड के अंदर है, या तो ये बोर्ड में ना हो, अगर ये बोर्ड में है और इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर, जे प्लस वर्ड डॉट लेंथ के ऊपर प्लस नहीं पड़ा तो स्कैंडल हो गया, तो रिटर्न फॉल्स। आपकी लेफ्ट साइड है और वो नॉन प्लस है तो फॉल्स। आपकी राइट साइड है और वहां पर प्लस नहीं पड़ा, यहां हमने कुछ गलत लिख दिया ना, वहां पर प्लस नहीं पड़ा तो रिटर्न फॉल्स। तो अगर ऐसा नहीं है तो मतलब वो परफेक्ट फिट है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड या तो है ही नहीं या वहां पर प्लस पड़ा है, राइट साइड है ही नहीं या वहां पर प्लस पड़ा है, अगर इसके नीचे पहुंचते हो तो, ठीक है, मतलब आप परफेक्ट फिट हो। परफेक्ट फिट हो तो आप लूप चलाएंगे, अब लूप चला के देखेंगे। ये लूप चलाया तो ये वर्ड हॉरिजॉन्टली है तो मैं ऐसा राइट को बढ़ूंगा, जे जे इक्वल टू जीरो, जे जे लेस देन वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड डॉट लेंथ, जे जे प्लस प्लस। अब मैं पता क्या चेक करना चाहूंगा, मैं ये चेक करना चाहता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस से लंदन पहले से लिखा हुआ था, लंदन दिल्ली, दिल्ली से पहले भी हो सकता है ना, मैं आ रहे आपको ऐसे तो दे सकता हूं कि लंदन सबसे पहले दे दूं, दूसरे नंबर पर आइसलैंड दे दूं, तीसरे नंबर पर दिल्ली दे दूं। तो आप जब लंदन को पुट कर चुके होंगे, आइसलैंड को पुट कर चुके होंगे और अब बारी आएगी दिल्ली की, तो दिल्ली यहां फिट हो सकता है। मैंने कहा, क्या कहा था, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो डैश पड़ा हो या आपका पहला कैरेक्टर मैच करता हो तो ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हम यहाँ डेली पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो जहां पर आप जो कैरेक्टर पुट करना चाहते हो या तो वही पढ़ाओ या ब्लैंक पढ़ाओ। जो हम यहाँ पर डी पुट करना चाहते हैं वही पढ़ा है, पास है। हम यहाँ पर ई पुट करना चाहते हैं ब्लैंक है तो पास है। हम यहाँ पर एल पुट करना चाहते हैं ब्लैंक है तो पास है। हम एच पुट करना चाहते हैं और ये ब्लैंक है तो पास है। हम आई पुट करना चाहते हैं और आई है तो पास है। या तो जो हम पुट करना चाहते हैं वही पढ़ा हो, या तो वही हो जो हम डालना चाहते हैं, या ब्लैंक हो। अगर इसके अलावा कोई और कहानी होगी तो अफसोस होगा। तो देखिएगा जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, इसको देखिएगा ध्यान से अभी फटाफट से। एरे ऑफ आई जे प्लस जे जे पर अगर पड़ा है ब्लैंक तो हम खुश हैं, या एरे ऑफ आई जे प्लस जे जे पर पड़ा है वर्ड डॉट कैर एट जे जे, कैर एट जे जे, वर्ड का वही वाला करेक्टर पड़ा है पहले से, वर्ड का जे जे एथ करेक्टर ऑलरेडी पड़ा है जे प्लस जे जे के ऊपर तो हम खुश हैं। या तो डैश पड़ा हो या हमारा करेक्टर पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। मतलब फॉल्स कब हो सकता है, या तो डैश नहीं पड़ा, या डैश भी नहीं पड़ा और कोई ऐसा करेक्टर भी नहीं पड़ा जो हमारे इक्वल है। डैश का मतलब ब्लैंक है, अपना वर्ड डाल दो। मतलब पहले से वर्ड भी पड़ा है, पहले से करेक्टर भी पड़ा है और हमारा करेक्टर भी नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे रिटर्न फॉल्स। अच्छा, एक और केस हो सकता है कि आप बोर्ड के बाहर ही निकल जाएं। बोर्ड के बाहर निकल जाने का मतलब क्या है, बोर्ड जैसे वो है परफेक्ट फिट वाली बात है, परफेक्ट फिट का दूसरा केस। परफेक्ट फिट ये कहता है कि एग्जैक्टली उतना ही करेक्टर हो। तो जैसे अगर कोई मुझे यहाँ पर कहता कि आइसलैंड ट्राई कर लो, आइसलैंड ट्राई कर लो, यहाँ पर प्लस होता और कोई कहता यहाँ पर, यहाँ से आइसलैंड डालो, मैं कहता ठीक है आई सी ई एल ए एन, अब डी डालने की जगह ही नहीं है, बाहर निकल गया ना, अभी तो कैरेक्टर ही नहीं है। तो लेंथ भी चेक करनी होगी लूप चलाते हुए कि आप बाहर तो नहीं आ गए। तो मैं देखो क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ जे प्लस जे जे, जे प्लस जे जे जो है, जो हम ये यूज कर रहे हैं जे प्लस जे जे, अगर ये बोर्ड के बाहर निकल जाए, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ के बाहर निकल जाए, हॉरिजॉन्टली बाहर निकल जाए, मतलब वर्ड पुट करने की जगह ही नहीं है, रिटर्न फॉल्स। जैसे एग्जांपल दे, अभी एक एग्जांपल ले लो, लेट अस से ये सारे डैश होते हैं, ठीक है, और तुम मुझे कहते थिरुवनंतपुरम पुट करके देखना, मैं कहा ठीक है, टी एच आई आर आर यू वी शिव वेंकट राजशेखर श्रीनिवासन त्रिचिपल्ली यक्कपरम पील परम बदूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी ए एन। अब वनंतपुरम कहां पूरा करूं, थिरुवनंतपुरम की तो जगह ही नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ आएगा और डिस्कवर करेगा वो बोर्ड के बाहर आ गया हूँ, तो ये वो वाला केस है। अभी कौन सा केस लिया मैंने कि क्या हम बोर्ड के बाहर आ जाएं तो फॉल्स, या तो डैश मिलते रहे या हमारे करेक्टर के बराबर मिलता रहे तो चलते रहो, या तो बाहर आ जाएं तो फॉल्स, या आपको मिस मैचिंग करेक्टर मिल जाए तो फॉल्स, अन्यथा सब सही है, रिटर्न।
अब देखो अगर ये बना लिया ना भाई, अगर आप लोगों ने ये बना लिया तो मैं ये कहता हूँ कैन प्लेस वर्टिकली है, बहुत आसान। लाइए मैं आपके लिए कैन प्लेस वर्टिकली, जल्दी से कर दूँ। ये रहा कैन प्लेस वर्टिकली, तो इसके अंदर ऊपर और नीचे की बात है, आई माइनस वन इसमें सब रो पे होगा, वर्टिकल में तो रो पे ही होता ना, आई माइनस वन कॉलम तो कभी छेड़ेंगे, कॉलम तो हर जगह जे ही रहेगा। आई माइनस वन मतलब आपसे ऊपर जगह है और वहां पर नॉन प्लस वैल्यू पड़ी है तो फॉल्स, परफेक्ट फिट चेक कर रहे हैं, या नीचे की तरफ आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ, मतलब इसके अंदर मैं ज्यादा समझाना भी नहीं चाहता, इसमें तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ वर्टिकली चेक कर रहा हूँ और कुछ नहीं। आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ मैं ऊपर और नीचे चेक कर रहा हूँ, उसमें लेफ्ट और राइट चेक किया था, लेफ्ट और राइट पे प्लस होना चाहिए, इसमें ऊपर और नीचे देख रहा हूँ प्लस होना चाहिए, ऊपर जगह है और ऊपर प्लस नहीं है तो फॉल्स, नीचे जगह है और नीचे प्लस नहीं है, बस इसको जगह है भी छोड़ो, ऊपर प्लस नहीं है, आई माइनस वन पर प्लस नहीं है, आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ पर प्लस नहीं है, ऊपर और नीचे प्लस प्लस होने चाहिए या बाउंड्री खत्म हो जानी चाहिए। ये बाउंड्री चेक हो रही है, आई माइनस वन ग्रेटर देन जीरो और आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, या तो बाउंड्री खत्म हो जानी चाहिए या ऊपर नीचे प्लस प्लस होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स। अब यहां पर मैं आई आई बढ़ाऊंगा, आई आई चलेगा वर्ड डॉट लेंथ के ऊपर, ठीक है। अगर आई प्लस आई आई बाउंड्री के बाहर निकल रहा है तो फॉल्स, वरना हम चेक करेंगे आई प्लस आई आई के ऊपर, कॉलम तो इसमें चेंज होगा नहीं, वर्टिकली हो रहा है, आई प्लस आई आई के ऊपर या तो डैश पड़ा हो या आई प्लस आई आई के ऊपर वही कैरेक्टर पड़ा हो जो हम हमारे वर्ड में है, वर्ड में जो आई आई कैरेक्टर है और हमारी आई प्लस आई आई पोजिशन के ऊपर सेम कैरेक्टर हो तो कंटिन्यू, वरना फॉल्स, लास्ट में रिटर्न ट्रू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्चुअली प्लेस द वर्ड, अब हमें काम करना है प्लेस और अनप्लेस, प्लेसिंग इज सिंपल, अब चेक कर चुके हैं कैन प्लेस, सिंपल लूप लगाना है वहां पर जाकर कैरेक्टर डालते जाना है, ठीक है। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर हम डाल रहे हैं या ये कैरेक्टर पहले से पड़ा था, हम यहां पर अपना वर्ड प्लेस कर सकते हैं, ये चेक हो चुका है क्योंकि हमने कैन प्लेस के बाद ही प्लेस को कॉल किया है, ठीक है। पुट तो पक्का कर सकते हैं, बस हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम पुट कर रहे हैं कैरेक्टर या पहले से पड़ा था, ये क्यों चाहिए होगा, जब आप अनप्लेस करेंगे तो आप वही मिटाएंगे जो आपने डाले थे, ठीक है। तो यहां से ना हम एक बूलियन एरर रिटर्न करेंगे, जैसे अब यहां पे डेली प्लेट पुट कर रहा हूं तो डी पहले से मिल गया तो मैंने नहीं प्लेस किया, ये ई मैंने प्लेस किया है, एल मैंने प्लेस किया है, एच मैंने प्लेस किया, आई मुझे पहले से मिल गया, तो मैं ऐसा एक एरर रिटर्न करूंगा फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स। ये क्यों, क्योंकि जब मैं डेली को अनप्लेस करूंगा ना तो सिर्फ मैं मेरे ट्रू वाले उड़ा सकता हूं, आइसलैंड का आई नहीं उड़ा सकता, लंदन का डी नहीं उड़ा सकता, मैंने डाले नहीं थे, मैं कैसे उड़ाने का हक रखता हूं, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये कुछ रिटर्न करेगा, पब्लिक स्टैटिक बुलियन का एरे रिटर्न करेगा, प्लेस वर्ड हॉरिजॉन्टली, वर्ड को हॉरिजॉन्टली पुट करें, मुझे कैर मिला है 2D एरे, मुझे वर्ड मिला है, मुझे पोजिशन मिली है, फॉर इंट हॉरिजॉन्टली पुट करना है, जे जे इक्वल टू जीरो, जे जे लेस देन वर्ड डॉट लेंथ, जे जे प्लस प्लस हॉरिजॉन्टली पुट करना है, ठीक है। बस पुट करते जाएं, पर एक बुलियन एरे बना लें, बुलियन एरे वी प्लेस्ड द कैरेक्टर, हमने डाला था ये कैरेक्टर, तो ट्रू का मतलब हमने डाला था, फॉल्स का मतलब हमने नहीं डाला था, इनिशियली सब फॉल्स है क्योंकि इनिशियली तो पता ही नहीं, तो सबको फॉल्स मान लिया, वी प्लेस्ड, ठीक है। तो अब देखो, अगर वहां पर डैश पड़ा होगा तो हम डालेंगे, हॉरिजॉन्टली है ना, तो आए जे प्लस जे जे होगा, चेक वेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैन वी प्लेस चेक कर चुके हैं, तो सिर्फ ये चेक करो कि डैश पड़ा कि नहीं पड़ा, डैश पड़ा है मतलब हमें करेक्टर डालना है, तो एरे ऑफ आई जे प्लस जे जे के अंदर वर्ड डॉट कैर एट जे जे पुट कर दें और वी प्लेस में ट्रू कर दें, हमने डाला है वी प्लेस जे जे इक्वल टू ट्रू और लास्ट में ये वी प्लेस रिटर्न कर दें। ये क्यों चाहिए होगा, ये अनप्लेस में चाहिए होगा, ठीक है। ये वी प्लेस आपने रिटर्न किया, बुलियन का एरे वी प्लेस्ड, और अब अनप्लेस में ना वर्ड पास करने की जरूरत ही नहीं है, वी प्लेस्ड पास कर दो तो अनप्लेस हम बना सकते हैं, साथ साथ ही बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड अनप्लेस एरे बुलियन का एरे
जिसका नाम है वी प्लेस्ड इंट आई इंट जे। लूप एकदम सेम होगा, आपको वापस डैश डालना है, लेकिन वापस डैश आप तभी डाल सकते हो जब वी प्लेस्ड कहे कि ठीक है, इफ वी प्लेस्ड के अंदर जे जे पोजिशन के ऊपर ट्रू पड़ा है, मतलब हमने डाला था ये कैरेक्टर, तो हम हक रखते हैं एरे ऑफ आई जे प्लस जे जे के ऊपर वापस डैश डालने का। ठीक है, अगर ये दो हमने लिख लिए तो मैं इनके वर्टिकल वाले रूप बहुत आराम से बना सकता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हैं कि हाँ बना सकता हूँ। ठीक है, प्लेस वर्ड वर्टिकली, ठीक है, तो इसके अंदर बस ये लूप जो लगेगा ये वर्टिकली लगेगा। मैं जे जे के बजाय आई आई यूज़ करूँगा हर जगह, और आई प्लस आई आई यूज़ करूँगा, कॉलम को कभी छेड़ूंगा नहीं, कॉलम को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और अनप्लेस द वर्ड वर्टिकली के अंदर भी जे जे की जगह हो जाएगा हर जगह आई आई, मतलब आई जनरली मैं रोज के लिए रखता हूँ। ये तो कुछ है नहीं खास। ठीक है, तो लाइए एक बार मेरे साथ इस कोड को सारे को देखिएगा, मैं सारे कोड को वो करता हूँ, छुपाता हूँ, फिर दिखाऊंगा पीस बाय पीस। देखो बेटा, असली कोड ये है, असली तो ये है तुम्हारी रिकर्शन, जो बहुत आसान है लेवल पे रखा वर्ड। अच्छा एक बात तुम क्या रियलाइज कर पाते हो, जिस चीज को लेवल पे रखते हैं उसके नाम का पैरामीटर आता है, ऑप्शंस के नाम का लूप लगता है। ठीक है, और जिस जो तुम्हारा लेवल होता है उसी के बेसिस पे बेस केस भी बनता है। जो देखो लेवल के बेस पे, लेवल का मतलब पैरामीटर आएगा, पैरामीटर का मतलब उस पर बेस केस बनेगा, तो लेवल इज इक्वल टू पैरामीटर इज इक्वल टू बेस केस। और जो तुम्हारी ऑप्शंस होती हैं वो लूप में आती हैं, तो इसके लिए मैं जनरली मैं ऐसा दिखाता हूँ, डायल जैसा दिखाता हूँ। डायल है मतलब एक लेवल के ऊपर पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और फिर अगले लेवल पे जाओ, फिर पॉसिबल ऑप्शंस करो, फिर ऊपर जाओ, बेस केस पहुंच जाओ, छाप दो। ठीक है, तो ये देखो तुमने विडेक्स मतलब वर्ड्स को रखा विडेक्स के यहाँ पर, और वर्ड्स का यहाँ पर होने का मतलब है कि लेवल पे वर्ड्स को रखा है, फिर वर्ड खोज रहा है मैं कहाँ कहाँ पुट हो सकता हूँ, ये अपनी पॉसिबल ऑप्शंस ले रहा है। ठीक है, तो हमने कहा या तो डैश पड़ा हो या तुम्हारा पहला करेक्टर जीरो हो, तुम्हारे जीरो करेक्टर के बराबर हो तो हम सोचेंगे। फिर अगर वी अब ना इन पे फेथ रखो कि ये चल जाएंगे, फेथ रखो कि ये चल जाएंगे, इनको अभी मत खोलो, पहले इस लॉजिक को सोच लो। कैन आई प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, क्या यहाँ पर हॉरिजॉन्टली वर्ड पुट कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं, तो कर दो, कर दो। और वी प्लेस में ये आएगा कि कौन सा करेक्टर तुमने डाला, कौन सा पहले से पड़ा था, ये करके अगले करेक्टर अगले वर्ड को मौका दो। जब वापस आओ तो एज पोस्ट में इस वर्ड को हटा दो, वी प्लेस्ड की हेल्प से अनप्लेस कर दो उसको, फिर वर्टिकली ट्राई करो, अगर प्लेस कर सकते हो तो प्लेस कर दो, और वापस आने पर अनप्लेस करो। तो इसमें एक गलती हो गई है, यहां पर ये वी प्लेस्ड वाला काम मैंने वर्टिकली के लिए नहीं किया है अभी। ठीक है, तो देखो मैंने अभी इसको आइसोलेटेड सिर्फ इसको चेक करा था, मुझे गलती मिल गई। अब ये चेक कर चुका हूं ना, अब इसको बंद कर दो, अपनी टेंशन से इसको निकाल दो। देखो इसको मैं ये कहता हूँ कि थॉट स्टेप बाय स्टेप कैसे सोचते हैं, जब मैं सॉल्यूशन सोच रहा हूँ तो इन फंक्शनों की चिंता नहीं करूंगा, अब इनकी चिंता करूंगा तो सॉल्यूशन की चिंता नहीं करूंगा। उसे मैंने टेस्ट कर लिया, वो यूनिट सही चल रही है, वो यूनिट सही चल रही है, तो अब मैं दूसरी यूनिट की टेस्टिंग करूंगा। ठीक है, अब मैं इस यूनिट की टेस्टिंग करने आया हूं कि क्या ये यूनिट सही है। मैं ये चेक कर रहा था हॉरिजॉन्टली पुट करने के लिए, परफेक्ट फिट है कि लेफ्ट साइड पे या तो कुछ हो ही ना, हो तो प्लस हो। मैंने चेक किया है, अगर लेफ्ट साइड है और वहां पर प्लस नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, अगर राइट साइड है और वहां पर नॉन प्लस पड़ा है तो फॉल्स। राइट साइड है जे प्लस वर्ड डॉट लेंथ, एरे जीरो डॉट लेंथ से छोटा है तो मतलब राइट साइड है, और राइट साइड पर प्लस नहीं पड़ा तो फॉल्स। हाँ जी, या तो राइट साइड होनी नहीं चाहिए और है तो वहां पर प्लस होना चाहिए। अगर इनमें से उल्टा केस बन जाए इसका, उसका नॉट कर दो, या तो राइट साइड होनी ही नहीं चाहिए या वहां पर प्लस होना चाहिए, इसको नॉट कर दो, तो इसका मतलब राइट साइड है और वहां पर नॉन प्लस पड़ा है तो मतलब गलती है, फॉल्स। फिर लूप लगाओ, अगर कभी बोर्ड के बाहर निकल गए तो मतलब वर्ड पूरा डाल नहीं पाए, या तो डैश मिलने चाहिए या आपका ही करेक्टर मिलना चाहिए, तब तक तो सही है। अगर ना तो डैश हो ना आपका करेक्टर हो, मतलब पहले से कुछ और करेक्टर पड़ा है, मतलब कन्फ्लिक्ट, मतलब फॉल्स। ऐसा ना हो तो रिटर्न ट्रू। वर्टिकली वाला नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल सेम है। प्लेस द वर्ड हॉरिजॉन्टली, कुछ नहीं करना, पहले से डैश पड़ा है
पहले से डैश, हाँ डैश पड़ा है तो करेक्टर डालो, और वी प्लेस कि हमने डाला है ट्रू कर दो, जो हमने डाले हैं सिर्फ उनके लिए ट्रू करेंगे, और अनप्लेस में हम ये वी प्लेस्ड यूज करके जहां जहां ट्रू मिलेगा वहां पर वापस डैश डाल देंगे। ठीक है, तो मोर लेस डन है। वर्टिकल वाला मैंने एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, तो एक बार रन करके देखते हैं। ये रन किया तो हाँ ऑफकोर्स छोटी मोटी मिस्टेक मिलेंगी, तो वी वुड फाइंड दम आउट। 91 लाइन के ऊपर कुछ मिस्टेक मुझसे हुई है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, वेरिएबल वर्ड नहीं मिला उसको। हाँ जी बिल्कुल, वर्ड नाम का ये तो वी प्लेस्ड पास किया था हमने, तो ये गलती मैंने वर्टिकली में भी करी होगी, बिल्कुल करी है, वहाँ भी ठीक कर देते हैं, कोई और गलती मिलेगी तो पता लग जाएगा। तो अब एक एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड हो गया है, ये कौन सी लाइन पर हुआ है, 58th लाइन पर, कैन प्लेस वर्ड वर्टिकली में, 58th लाइन पर कैन प्लेस वर्ड वर्टिकली के अंदर, हाँ जी मिल गई गलती, ये इक्वल टू थोड़े लगा सकता हूं मैं, एग्जैक्टली छोटा होना चाहिए, आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ से छोटा होगा तभी तो वहां पर पुट कर पाएंगे। लाइए रन करके देखते हैं इस बार, तो फाइनल सबमिट लगाया और करेक्ट आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।